सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बैटल स्टार गेम के बारे में, जो कि गाइस आप लोग भी स्क्रीन पे देख सकते हो। इस वाले गेम को गाइस यहां पे टेक्नो गेमर ने लॉन्च किया था, जो कि आप लोगों को बताएं इस गेम के अंदर गाइस अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लोडिंग प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। और काफी सारे लोगों को गेम ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से गाइस आप लोग को एरर शो कर रहा होगा या फिर मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आ रहा होगा। अगर गाइस आप लोगों को ये सब प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वाले वीडियो को आप लोग पूरा देखो। इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इस सब प्रॉब्लम को आप लोग फिक्स आउट कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो चलो गाइस फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में। लेकिन गाइस उससे पहले इतने बजे चैनल पे नहीं पहली बार हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन ऑल प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलो यार फटाफट जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल से गाइस देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो लोडिंग लिख के आ रहा है, ठीक है। और देखो मैं आप लोगों को बता दूं आज चल रहा गेम के अंदर एक छोटा सा मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस यानी कि बोले तो गेम के अंदर एक न्यू अपडेट लाया जा रहा है, जिस अपडेट के कारण से हमारे गेम के अंदर इतना सारा गाइस आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। मैं आप लोगों को बस इतना चीज बोलूंगा कि भाई आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, कुछ देर आप लोग वेट करो, 4 बजे तक या फिर 5 बजे तक आप लोग वेट कर लो, आपका गेम 100% यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और काफी सारे लोगों को ये सब प्रॉब्लम आ रहा होगा, सम प्रॉब्लम हैज बीन, कुछ स्टेप से गाइस आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा और गेम यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। तो गाइस आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, लोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, तो गाइस आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोग को एक बार इसको कट करना है, ठीक है। कट करने के बाद कैसे आप लोग को चले जाना है अपने फोन के जो क्रोम ब्राउजर होता है उसके अंदर चले जाना है। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद कैसे आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है गेम कंसोल, ठीक है, जो कि गाइस आप लोग को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो जिस टाइप से मैंने लिख के सर्च किया गेम कंसोल, ठीक है, बस आप लोग को सेम टू सेम सर्च करना है और ये वाला वेबसाइट मिलेगा गेम कंसोल का, ठीक है। इस वाले वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ठीक है। लेकिन गाइस देखो इस वाले वेबसाइट को ओपन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं इस वाले वेबसाइट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर भी दिया हुआ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिंक पे क्लिक करोगे सीधे आप लोग वेबसाइट को वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक है। तो मैं फटाफट से वेबसाइट को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो जैसे आप लोग वेबसाइट को ओपन करोगे आपके सामने कुछ स्टेप्स पे आ जाएगा, आपको करना क्या है आप लोग को सिंपल आप लोग को यहाँ पे एक ऐड वगैरह शो करेगा, सिंपल आप लोग को एक बार ऐड पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करने वाले को सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है DNS लिख के सर्च करना है, ठीक है। DNS लिख के सर्च करते हैं आपके सामने DNS का एक पोस्ट मिलेगा, DNS क्या है, ठीक है। इस वाले पोस्ट पे क्लिक करना, इस वाले पोस्ट पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक पोस्ट ओपन हो जाएगा DNS का, ठीक है, इस वाले पोस्ट पे, ठीक है। तो आपके सामने कुछ स्टेप इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर कैसे वो करना है क्या मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोग को स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे के साइड आपको आ जाना है, ठीक है। कितना नीचे आना मैं आपको बताता हूँ, आप लोग को यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड का बटन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने 30 सेकंड का टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा और 30 सेकंड के बाद आप लोग को यहाँ पे एक DNS कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 30 सेकंड कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं आगे क्या करना है। तो गाइस देखो 30 सेकंड तक वेट करने के बाद आपके सामने जैसे टाइमिंग खत्म होगा आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा, जो कि कुछ स्टेप से होने वाला है, जहां पे कैसे वो DNS कोड 1 मिलेगा। तो DNS कोड 1 को पूरा कॉपी कर देना, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको फोन के सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद कैसे आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है DNS सर्च करते हैं आपके सामने DNS का एक पोस्ट खुलेगा, प्राइवेट DNS नाम होगा, बस आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ स्टेप इंटरफेस आ जाएगा, प्राइवेट DNS का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे मिलेगा प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्टिंग नेम, इस टाइप से आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको DNS कोड के यहाँ पे डाल देना है, सेव कर देना है। इतना करने के बाद कैसे आप लोग को BGMI को ओपन करना है, ओपन करने के बाद कैसे आपका जो प्रॉब्लम होगा वो 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको DNS कोड यहाँ पे 2 भी मिल जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो, आप लोग DNS कोड 2 को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई करना, देखना आपका सॉल्व होता है कि नहीं होता है, अगर आपका फिर भी सॉल्व नहीं होगा तो ये टेक्निकल इशू है आगे की तरफ से, आप लोगों को थोड़ा देर वेट कर लेना है, देन आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ जो मैंने बताया उसको आप लोग फॉलो करना, तभी कैसे आप लोग का हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ देर के बाद हो सकता है सही भी हो जाए, ठीक है। बाकी चलो गाइस इतना जितना भी कुछ था सब कुछ मैंने इस वाले वीडियो में आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और वीडियो के अंदर, तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।